बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यार से यूट्यूब फैमिली। ये देखिए, मैंने आज सॉसेजेस बनाए थे, तो मैंने कहा चलें इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें देखते हैं इनको किस तरह बनाते हैं। ये मैंने सॉसेजेस ले लिए चिकन के, और ये इस तरह हैं सारे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं इनको यहाँ से काट के, और फिर जैसे ही मैं फ्राई करती हूँ काट के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं डलेगा। और साथ ही अब मैं इसे यूँ रखने लगी हूँ, ये देखिए, क्योंकि वो पहले जुड़े हुए थे तो मैंने उनको काट लिया था। इसमें जितने आते हैं आप डाल सकते हैं। बस इसको 3-4 मिनट के लिए ऐसे रखते हैं और फिर इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें जी, 4-5 मिनट हो गए, तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए, मैंने इन सब की साइड चेंज कर दी है। अब इसको 4-5 मिनट के लिए होने दूंगी और फिर मैं देखती हूँ कि दूसरी साइड से कैसे करती हूँ। और साथ ही मैंने ये फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं, इसके साथ बच्चों को ये फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप फ्रेंच फ्राइज और सॉसेजेस जो हैं इस तरह बना के बच्चों को दें तो बच्चे बहुत खुश होंगे। आप इस तरह छुरी से एक दो पे इस तरह एक दो निशान लगा दें, ताकि ज़रा अंदर तक अच्छी तरह पक दें। इसी तरह सब सॉसेजेस पे इस तरह निशान लगा दें। ये देखें जी, फ्राइज हमारे हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं डिश में। ये देखें जी, हमारे सॉसेजेस हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, सॉसेजेस हमारे रेडी हो चुके हैं, साथ फ्राइज और सैलेड मैंने रख दिया। ये बहुत मज़े के लगते हैं, आप भी इस तरह ज़रूर बनाएं और फिर बताइएगा ये आपको कैसे लगे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।